बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार बिहार में बड़का भैया बनना चाहते हैं। बाकायदा इसके लिए उनकी पार्टी ने स्टैंड ले लिया है। नीतीश को बड़का भैया बनाने का मतलब है बिहार में 22 सांसदों वाली बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। इन दो चेहरों में से देश की राजनीति में बड़ा चेहरा कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2019 के चुनाव के लिए 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार राज्य में जेडीयू का कहना है कि मोदी से बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का होगा। बिहार में जदयू की जो इस वक्त स्थिति है और जो हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, जो पहले हो चुकी हैं बातें, उसके आधार पर जदयू ही चेहरा रहेगी, नीतीश जी ही चेहरा रहेंगे गठबंधन का। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब भी एनडीए इसको मानती है, बीजेपी भी मानती है। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है जिसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब सोचिए, बिहार की जनता जब 2019 में वोट देने के लिए जाएगी तो वो नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगी या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगी। इसमें कोई दो मत नहीं कि मोदी ही 2019 के लिए भी एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करना दबाव बनाने की राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने जब बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी से सवाल पर जवाब पूछा तो उनका बयान समझाने वाला कम उलझाने वाला ज्यादा था। बिहार में तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, उस सरकार ने जो काम किया उसके नाम पर वोट मांगेंगे और केंद्र की सरकार के काम पर वोट मांगेंगे। तो आज हमारे पास दो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, और दोनों की सरकारें या दोनों चेहरों ने जो काम किया है उसके आधार पर हम बिहार की जनता से अगले लोकसभा चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। तो जब दो चेहरे हमारे साथ है तो फिर कौन मुकाबला करेगा। अब सवाल यह है कि अगर बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में होगी तो लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ऐसी चर्चा है कि जेडीयू 2009 के फॉर्मूले के हिसाब से 40 में से 25 सीट चाहती है। ऐसे में बाकी बची 15 सीटों में से 6 एलजेपी और 3 आरएलएसपी को मिलेंगी, यानी इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी बिहार में 6 सीटों पर ही लड़ पाएगी। ऐसे में राजनीतिक रूप से समझदार कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इस मांग को गंभीरता से नहीं लेगा। लिहाजा नीतीश को चाहिए कि ढंग का प्रस्ताव रखे ताकि एनडीए के वोटरों में भ्रम का माहौल न बने, नहीं तो इसका नुकसान बीजेपी और जेडीयू दोनों को उठाना पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।